गरियाबंद में भाजपाइयों ने उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों में जीत को लेकर तिरंगा चौक में जमकर आतिशबाजी की मिठाइयां बांटी, रंग गुलाल उड़ाए और जीत का जश्न मनाया और बस स्टैंड पर रैली निकाली। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष गफ्फार मेमन समेत अन्य भाजपाइयों ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी जी का उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि वह किसके साथ हैं, देश का मूड क्या है। अगले 25 साल तक देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। गरियाबंद के लोगों में भी इसे लेकर खासा उत्साह दिखा। योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की मेहनत सफल रही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से ही देश की जनता का मूड समझ में आता है और उत्तर प्रदेश ने बता दिया कि देश क्या चाहता है। विरोधियों ने खूब प्रयास किया मगर जनता ने अपने सच्चे सेवक की पहचान करी और उनका साथ दिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अनिल चंद्राकर, आशीष शर्मा, घनश्याम सिन्हा, सुरेंद्र सोनेट के, मिलेश्वरी साहू समेत कई भाजपाई शामिल रहे। लोगों में बहुत उत्साह है, चार राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। आज यूपी में देखो कि मोदी जी ने और योगी जी ने जो मिलकर डबल इंजन की सरकार बनी है, आज फिर से मोदी जी को भारत देश ने अपनाया है और आने वाले समय में सभी राज्यों में हमारी बीजेपी की सरकार रहेगी। इसको लेकर मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं जो हमें भारत को नंबर वन बनाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। अगले साल छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना है, क्या कहेंगे इसको लेकर? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जाएगी और बीजेपी आएगी। गंगा जल लेकर कसम खाए हैं, उस वादा को पूरा नहीं कर रहे हैं। जनता देख रही है, जनता उसका सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने आज जो प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनी है चार राज्यों में उसकी खुशियां मनाई है, क्योंकि ये संदेश देता है कि आने वाले समय में 2023 में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज चारों राज्य के रिजल्ट ने बता दिया है कि आने वाले समय में निश्चित ही छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप लोग यहाँ पर क्या क्या किए? पटाखे फोड़े, बाजा ढोल बजाए, मिठाई बांटे, एक दूसरे को बधाई दिए और साथ में बहुत से सब मिलकर खुशियाँ मनाएं।